पिछले 16 साल दिल्ली मेट्रो 8.5 किलोमीटर से 370 तक पहुंच गई है और आने वाले 1.5 महीने के अंदर में हम लोग 380-370 के आसपास पहुँच गए। सेटिस्फाइंग पीरियड रहा है पिछले 16 सालों का। और अगर आप देखें फेस वन जहाँ 65 किलोमीटर हम लोगों ने 1998 से 2005 तक बनाया था, फिर उसका डबल 124 किलोमीटर हमने 2005 से 2011 तक बनाया। इसका मतलब 1998 से 2011 तक 190 किलोमीटर हम लोगों ने बनाया था। लेकिन फेस थ्री और NCR को अगर आप मिलाए सब अब तो 2012 से अब तक इस 170 किलोमीटर 180 किलोमीटर, मतलब जितना हमने 98 से 2011 तक बनाया उतना ही 2011 से अब तक बना दिया है। ये बड़ा सेटिस्फाइंग पीरियड रहा 16 साल। दुनिया में इतना एक्सपांशन इतना फास्ट कहीं नहीं हुआ, उसके हमको बहुत एडवांटेज रहे क्योंकि सक्सेशन में हमने फेस वन के बाद फेस टू बनाया, फेस थ्री बनाया, तो जो एक्सपीरियंस हमको फेस वन में मिला उसका हमने इस्तेमाल फेस टू में किया, फेस टू का फेस थ्री में किया और ऐसे ही आने वाला फेस फोर उसमें अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो इस्तेमाल होगा। और इस तरह से चीज़ों में इतना इम्प्रूवमेंट है, आप अगर नए स्टेशन फेस थ्री के अगर आप देखें पुराने स्टेशनों के मुकाबले तो वो कहीं अच्छे डिजाइन किए गए हैं फंक्शनली पब्लिक के लिए, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से और एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे जो नए स्टेशन अंडरग्राउंड स्टेशन वो पुराने स्टेशनों से 2/3 एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से सारे जो इम्प्रूवमेंट्स हम करते चले आए हैं उसका सिर्फ एक ही कारण है कि सक्सेशन में एक के बाद हम जो फेस करते चले गए हैं। तो एक और जो सबसे अच्छी बात है जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इतने 16 साल का ये जो सफ़र है, इतने पैसेंजर्स डेली कैरी करते हैं, ये इंसिडेंस फ्री रहा है। सेफ्टी के मामले में एकदम 100% कोई सेफ्टी ब्रीच इसमें नहीं हुआ है और ये बहुत बड़ी बात है। 16 साल तक कोई भी इतना बड़ा सिस्टम ऑपरेट होता रहा है जिसमें सेफ्टी का, कि ये DMRC का जो कमिटमेंट सेफ्टी के बारे में है वो दर्शाता है, उसमें हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं। उसके चलते कई बार ऐसे होता है कि हमको बड़ा कॉशियसली होना पड़ता है और कई बार आपने देखा होगा ट्रेन स्लो स्पीड पे चल रही है और इंटरप्शंस होते हैं, लेकिन वो सारे होते हैं सेफ्टी इंश्योर करने और इसके बारे में हमारा पूरा 100% कमिटमेंट है।